हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द अनदर व्लॉग। तो अभी मैं जा रहा हूँ विट्ठला टेम्पल, जो कि 1522 में बनवाए थे राजा कृष्णदेव राय। तो वो बहुत पुरातन टेम्पल है, तो चल के उसका हिस्ट्री में बताता हूँ जितना मुझे आता है। ये है सभी विट्ठल टेम्पल जाने के रास्ते में पड़ता है ये सभी। ये जो बड़े वाला गेट दिख रहा है, ये विट्ठल टेम्पल का एंट्रेंस। ये देख सकते हैं विट्ठल टेम्पल एंट्रेंस। तो फिलहाल मैंने विट्ठल टेम्पल एंटर कर लिया है, तो आप देख सकते हैं मेरे पीछे पूरा का पूरा नज़ारा। सॉरी फॉर वीडियो क्लैरिटी कम आने की वजह से, क्योंकि मेरा कैमरा बैटरी डाउन हो गया। तो ये देख सकते हैं मेरा पीछे, वो है विट्ठला टेम्पल का एंट्रेंस। और ये लोग ये देख सकते हैं पूरा का पूरा उसका पूरा आर्किटेक्चर कैसे किया है, ये तो आप लोगों को पता ही होगा। ये जो रथ बना हुआ है, क्योंकि अभी जो नया 50 रुपीज़ आया है उसमें आप देख सकते हो ये वाला फोटो, ये वाला रथ जो कि लिखा हुआ है इसके फोटो के नीचे हम्पी। मंदिर पूरा का पूरा आर्किटेक्चर में भरा हुआ है, देख सकते हो पूरा का पूरा आर्किटेक्चर में भरा हुआ है, हर हर एक दीवार में। ये हमारा बंधु थक के सो गए हैं, देखो पूरा का पूरा दीवार में आर्किटेक्चर ही आर्किटेक्चर। कुछ मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन आप लोगों को कुछ समझ में आ रहा होगा तो आप पढ़ लेना हिस्ट्री देख के। तो ये जो पिलर देख रहे हैं, ये जो पिलर्स उधर का जो सारे के सारे जो पिलर्स हैं वो सब म्यूजिकल पिलर्स हैं, मतलब हमारा जो सात धुन है इसमें आता है। वो उस टाइम का आर्किटेक्चर में कैसे बनाया है उसको बोलते हैं कि ये म्यूजिकल पिलर्स है। अभी पहले टच करते थे, लेकिन अभी उसको टच करना नहीं देते हैं, क्योंकि वो टूट तोड़ फोड़ सब कर दिया ना आके, इसीलिए यहाँ को किसी को अंदर अलाउ नहीं करते। मेरे को लगता है सारा भारत में ही है कि ऐसा मंदिर है जहाँ के ऐसा ही पिलर है, सातों सुरों का आवाज़ इसमें है, म्यूजिकल पिलर देख सकते हो, बहुत शानदार है। और अंदर का भी आप लोग देख सकते हैं कैसा, हमको थोड़ा अंदर भी जाने देता तो बहुत अच्छा था, लेकिन क्या करें हमारी वजह से ही हम लोगों को ही अलाउ नहीं करते हैं। पूरा का पूरा देखो, बढ़िया
सब भी म्यूजिकल पिलर्स हैं। जितना सब पिलर आप लोग देख सकते हैं सब भी म्यूजिकल पिलर्स। तो ये दीवार पे कुछ लिखा हुआ है, बहुत कुछ लिखा हुआ है, लेकिन किसी को समझ आना चाहिए। देख सकते अब क्या लिखा हुआ है। शशि यहाँ ये क्या सब लिखा हुआ है, कौन सा लैंग्वेज में? कन्नड़ा। सभी कन्नड़ा लैंग्वेज है। भाई ये देखो पेड़ कैसा, ये कितना साल होगा इस पेड़ को? बहुत पुराना भी लगता है ये पेड़। तो भाई आप लोग हम्पी जरूर आना, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो पूरा हिस्ट्री जानने के लिए तो यहाँ से एक गाइड हायर कर लो तो सबसे बेहतर होगा, क्योंकि यहाँ जानने की चीज़ बहुत है। देख सकते हैं। तो अभी हम जा रहे हैं दूसरे एक महल में, ये देख सकते हैं हम पूरा का पूरा आर्किटेक्चर है। मैं तो कुछ भी बता नहीं सकता, कुछ भी इसके बारे में कुछ मालूम नहीं, लेकिन आप लोग आओ तो ज़रूर एक गाइड हायर करो, 100% आप समझ जाओगे। और यहाँ आते हो तो मिनिमम 2 दिन लेकर आना, 2 दिन लेकर आके घूमना हो घूमेंगे तो पूरा का पूरा कुछ पता चलेगा। बहुत शानदार प्लेस है यहाँ पे। और वो जो रथ का तो फिलहाल अभी कुछ है जानने के लिए, फिर भी कुछ समझ में नहीं आ रहा भाई सच्चे, क्योंकि अभी गाइड हायर करने से हमको बहुत लेट हो जाएगा, क्योंकि आज शाम 7:30-8 बजे हमको जाना है बस स्टैंड, 10 बजे हमारा बस है, तो इसलिए हम एक दिन में कुछ भी कंप्लीट नहीं जान पाए। तो मैं प्रेफर करता हूँ आप दो दिन यहाँ टाइम लेके आ जाए, ज़रूर घूमिए, क्योंकि इसके बारे में कुछ सभी बताने के लिए है। तो फिलहाल चैनल में जुड़ी रहे, तो मेरे पीछे देख रहे होगे जो गेट है, तो 1500 एडी का वो बना हुआ एक गेट है जो अभी तक भी जिंदा है। तो आप लोग देख सकते हैं कितना पुराना है, आप ज़रूर आइए, ज़रूर विजिट करिए। तो बस इतना ही, और यहाँ का मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग लगा वो म्यूजिकल पिलर एंड जो रथ बना हुआ है। फिर जब विट्ठल टेम्पल में एंट्री करोगे तो आप लोगों को एंट्री फीस 35 रुपीज़ लगेगा। और कुछ ऐसे मिला के 5 रुपीज़ टोटल 40 रुपीज़ हो जाता है। आज के लिए इतना ही, और इस विट्ठल टेम्पल का विजिटिंग आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, और ये वीडियो को अपने फैमिली एंड फ्रेंड के साथ शेयर करना, और हम भी जरूर आना घूमने के लिए। और फिर मिलते हैं एक नए लोकेशन पे, नए ब्लॉग पे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, खुश रहिए, आबाद रहिए।